इस वक्त बड़ी खबर बिहार से, जहां पर भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। बिहार के आरा में भारत बंद के दौरान पत्थरबाजी हुई है। हिंसा आरा में ही अब तक देखने को मिली है। एसडीओ समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। गया में भी खबर आ रही है कि प्रदर्शन हिंसक हुआ है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पत्थरबाजी भी हुई है। सड़कों पर टायर जलाकर लोग प्रदर्शन करते हुए बैठ भी गए। तस्वीरें आपको पत्थरबाजी की दिख रही होंगी। आरा का बाहरी इलाका जहां पर ये पत्थरबाजी हो रही है। अटल बिहारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। क्या स्थिति है इस वक्त आरा के इस जगह पर जहां पत्थरबाजी हो रही है? ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोग जिधर समर्थकों ने बंद कराया गया था, आज बिहार बंद भारत बंद का आयोजन किया गया था। बंद के दौरान कई जगह सड़कें जाम की गई थी। जाम के दौरान जो बंद समर्थक थे उन पर एक समुदाय के लोगों ने जबरा हटाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के दोनों पक्ष ने विवाद मरने के बाद विवाद उद्घाटित फूल पकड़ लिया। और इसके बाद जो उसमें पथराव होने लगे, पथराव हुआ, कई लोगों की चोटें आई। हालांकि इस दौरान हालात अभी भी तनावपूर्ण। जी जी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में अटल बिहारी, और इस वक्त हमारे साथ शिवपूजन झा जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, बिहार में इस भारत बंद का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। गया और आरा में खबर है कि हिंसक हो रहा है प्रदर्शन। अगर कोई संगठन इसके पीछे नहीं है तो आखिर कौन लीड कर रहा है इस तरह के प्रदर्शन वहाँ पर? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग संगठन ने अपना समर्थन दे रखा था बंद समर्थकों को, और जिस तरीके से सोशल मीडिया से पिछले कई दिनों से लगातार इस बंद को सफल बनाने के लिए एक आह्वान चल रहा था, तो लोग सुबह से ही भारी तादाद में कई इलाकों में बाहर निकले हैं बड़ी संख्या में, और उन्होंने आगजनी की है। ऐसी रिपोर्ट हमारे पास लखीसराय से आई है, जमुई से आई है। वहां से गाड़ियां चलाई गई हैं, सड़क मतलब ट्रैफिक को पूरी तरह से रोका गया है। कई जगह पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है ताकि जो बंद जी जा सके और सुचारू रूप से जो है। तस्वीरें दिख रही है शिवपूजन हमको, तमाम लखीसराय, जमुई, गया और आरा तमाम जगहों पर, यानी इस भारत बंद का ज्यादा असर इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है, और सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए भी एक चुनौती की वजह बना हुआ है आज के दिन। वक्त